तो हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइब्रेट कॉइन की। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वाइब्रेट के बारे में सुना भी ना हो, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं आपको वाइब्रेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, वाइब्रेट जो कॉइन है उसका नाम है VIB, यानी उसका कोड है VIB। अब कॉइन मार्केट कैप पे जितने भी कॉइन्स लिस्टेड हैं उनमें इसकी रैंक है 521। ठीक है, आई थिंक कि थोड़ी ज़्यादा रैंक है, मतलब 500 के ऊपर है तो फिर थोड़ी ज़्यादा रैंक है, और 30,000 लोगों की वॉच लिस्ट में है ये, यानी 30,000 लोगों ने इस पे नज़र बनाई हुई है। अब इसका देखिए अच्छा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ये है कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पे डॉलर में इसका प्राइस अगर हम देखें तो है 0.1331। अब यहाँ BTC और इथेरियम के कंपैरिजन में ये 3.3%, और यहाँ पे इथेरियम के कंपैरिजन में 3.5% अप चल रहा है। वॉल्यूम इसका 44.44 डाउन चल रहा है। अब वाइब्रेट के बारे में अगर मैं क्विकली आपको तो यहाँ थोड़ा सा दिखाऊँ, यहाँ देखिए एकदम शॉर्ट में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वाइब्रेट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी दैट ऑपरेट्स ऑन द इथेरियम प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाइब्रेट हैज़ अ करंट सप्लाई ऑफ इतना विद इतना सर्कुलेशन, आप पॉज करके देख सकते हैं। द लास्ट नोन प्राइस ऑफ वाइब्रेट इज इतना, ठीक है, ये सब डाउन बाउंड करंट इन्फॉर्मेशन बता रखी है। इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग ऑन 15 एक्टिव मार्केट्स विद $62 million ट्रेडेड ओवर द लास्ट 24 आवर्स। और यहाँ पे अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये थी वाइब्रेट, इसके बारे में क्या नाम है इसका, वाइब्रेट के बारे में आपके लिए एक क्विक इन्फॉर्मेशन। अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है इसका। ये देखिए यहाँ पे वाइब्रेट में इतना अच्छा खासा पंप आया था, देखिए यहाँ से इसने ग्रो करना शुरू किया था 0.0, ठीक है, 3894707 से इसने चलना शुरू किया था, और वहाँ से जो इसने पंप देखा है, यानी 15 सितंबर को आप देख पा रहे हैं, 15 तारीख यानी 4 दिन पहले यहाँ पे इसने पंप लेना शुरू किया, और इस वक्त इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 0.132। यहाँ पे 0.0 करके है, 0.03531, ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस 0.134, यानी वो जो बीच का जीरो था पॉइंट के बाद का वो गायब हो गया, यानी इतना अच्छा पंप इसमें हमें दिखा है। बट यहाँ से अगर हम देखें कि ये 15 सितंबर से 16 सितंबर यानी एक दिन में कितना इसमें हाइक मिला है, 723% का यहाँ पे हाइक मिला है, इतना ज़्यादा हाइक मिला है यहाँ गाइस। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ये है। अब हम देखते हैं इसका अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि जो हमारी ये जो ब्लू लाइन है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 50 EMA की एवरेज मैंने ब्लू में ड्रॉ कर रखी है, 50 EMA के एवरेज पर इस वक्त ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि एक क्लियर हो जाए। ये देखिए अभी इस वक्त जो प्राइस है वो इस पॉइंट पे है, और ये बिल्कुल अपने 50 EMA पे है, जो कि इसका सपोर्ट का काम करे ऐसा पूरा पूरा चांसेस है। और अगर इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पे अगर मैं एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है, क्योंकि कई बार प्राइस ने यहाँ पे ट्राई किया नीचे जाने का पर गया नहीं, साथ में 50 EMA की लाइन भी है, तो यहाँ पे स्ट्रांग तो हमें सपोर्ट तो हमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, राइट। और इसी पॉइंट पे अभी ये जो ट्रेंड है, प्राइस अगर इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, यानी हमें थोड़ा सा भी पंप अगर देखने को मिल जाता है तो वो अपना ट्रेंड ब्रेक कर देगा, और फिर हमें बहुत ज़्यादा तगड़ा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये था 2 आवर्स का चार्ट। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट, ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैंने 1 डे का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा है, और ये सपोर्ट यहाँ पे 1 डे के चार्ट में भी
पूरी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम वन डे के चार्ट में यहाँ पे ये देखें, इसका जो वॉल्यूम है ये काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है, यानी कि देखिए सीढ़ियाँ जो बन रही है, यानी कि बायर जो है वो स्टेप इन करते आ रहे हैं, यहाँ बड़े 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 बड़े, तो यहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्टेप करते आ रहे हैं, स्टेप इन हो रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखिए सेलर्स की जो पकड़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो काफ़ी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसके अच्छे लग रहे हैं। तो जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि किस तरह से वो कर सकते हैं। तो पहले कि हम यहाँ पे खोल लेते हैं, 2 आवर्स का चार्ट खोल लेते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल रही है यहाँ पे, राइट। तो इसको मैं 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो क्या करें कि यहाँ पे अपने आपके पास जो अमाउंट है उसका थोड़े से अमाउंट का अभी यहाँ पे इसको ले सकते हैं, ठीक है। और पर वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि सपोर्ट पे प्राइस अभी है, तो अगर ज़्यादा वर्स सिचुएशन रही इसकी तो नीचे भी जा सकता है। पर इसलिए मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रिस्की ट्रेड हो सकता है। पर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस इस पॉइंट को ब्रेक कर जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा 0.1548 के आसपास, तो फिर यहाँ पे कन्फर्म्ड ब्रेकआउट हो जाएगा ट्रेंड का और यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपना पूरा रिसर्च ज़रूर करें क्योंकि आपका मनी है तो आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अभी जो लोग बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं तो वो इस ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश वेट करें, और रिस्की वाले थोड़ा यहाँ पे भी ले सकते हैं और फिर यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे अगली वीडियो में, चल देन बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बाय बाय।